अच्छा, एसी और ट्रैक्शन ऑफ है, उसमें और कोई मोड आता नहीं है, बाकी हमारा सब कुछ ऑन है नॉर्मल। और लॉन्च भी हम प्रॉपर लॉन्च होता है वो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल लॉन्च, ठीक है। सो तीन हॉर्न हम कर दें या आप करोगे? भाई आगे फिर से भैंसे हैं और 3-2-1 करूं? नहीं, भैंसों के पास जाके रैप करो, वो हट जाएंगे। नहीं नहीं वो कर दे रैप, कर दे भाई, हट जाएंगे। 8-8 की चाबी देना। क्या हो गया? उस जो सीट होने ना, सबसे रोलिंग लगा रहे हैं। और आगे हमारी भैंस और उसके पीछे एक सांड लगा है, वो उसको इधर से उधर ला रहा है। चलो 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 भाई, कुछ ज्यादा वो सारी हटेंगी। बड़ी बदतमीज भैंस है यार। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शविमान व्लॉग। सो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बढ़िया होंगे, हैप्पी होंगे एंड हेल्दी होंगे। तो गाइस, आज अगेन मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एकदम नई एक्सट्रीम ड्रैग रेस, जो है अपनी महिंद्रा की एक्सयूवी 700 और अपनी BMW M330i M Sports के बीच में। सो दोनों गाड़ियों की अगर स्पेसिफिकेशन की बात कर ले, सो अपनी जो XUV 700 है, ये है 197 BHP, 380 Nm ऑफ टॉर्क, पेट्रोल ऑटोमेटिक है, फ्रंट व्हील ड्राइव कार है। और दूसरी तरफ अपनी BMW 330i M Sports 258 BHP एंड 400 Nm ऑफ टॉर्क, ये रियर व्हील ड्राइव है। और भाई ये गाड़ी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। सो दोनों कारों का आप बोलोगे कि भाई इनका क्या कंपैरिजन बनता है? भाई देखिए, हमारी जो ड्रैग्स होती है ना, वो किसी कंपनी को या किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होती, हमारी ड्रैग्स होती है भाई फन के लिए और थोड़ा सा इन्जॉयमेंट भाई। सो भाई रिजल्ट आपको पहले ही पता है कि ये गाड़ी आगे रहने वाली है, लेकिन देखते हैं भाई हम इसको इतनी डिसएडवांटेज देंगे, इसको इतनी एडवांटेज देंगे ताकि थोड़ा सा हमारा बराबर आ जाए। बाकी भाइयों आओ देखते हैं पहले राउंड में क्या रहते हैं। सो स्टार्ट कर अपना फर्स्ट राउंड। मैं बैठा हूँ अपने गौरव भाई के साथ। कैसे भाई? हेलो कर दीजिए एक बार सब्सक्राइबर्स को। सो मैं बैठा हूँ भाई अपनी BMW 330i में। हम तीन लोग हैं पीछे, रोना है भाई हाई कर दो। और उस कार में दो बंदे हैं आशीष भाई के, मैं मोहित भाई, आशीष भाई। सो भाई आपके क्या मोड्स रहेंगे? अच्छा, एसी और ट्रैक्शन ऑफ है, उसमें और कोई मोड आता नहीं है, बाकी हमारा सब कुछ ऑन है नॉर्मल। और लॉन्च भी हम भाई प्रॉपर लॉन्च होता है वो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल लॉन्च, ठीक है। सो तीन हॉर्न हम कर दें या आप करोगे? किसी को खड़ा करवा के पूछ ले। आप कर दो, तीन हॉर्न आप कर दो। सो फर्स्ट राउंड भाई अपना स्टार्ट कर रहे हैं, तीन हॉर्न आप करोगे और उस गाड़ी को थोड़ी सी आगे निकल दे। अब भैंस यहां आ गई। फर्स्ट राउंड में ये 150 चली गई थी भाई। आगे देखिए, मतलब जानवर वगैरह हैं इसलिए हमने पहले ही गाड़ी को स्टॉप कर दिया। बाकी भाई आपने देख ही लिया पावर का फर्क, मतलब वो गाड़ी पहले लॉन्च कर गई है, हमने लेट लॉन्च किया है, ठीक है। कोई मतलब ऐसा हमने ब्रूटल लॉन्च नहीं किया कि गाड़ी एकदम से निकल जाए, क्योंकि पावर का बहुत फर्क है भाई गाड़ियों में, बहुत ज़्यादा। दूसरा वेट का बहुत फर्क है, दूसरा भाई ये गाड़ी है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। सो मजे के लिए कर रहे हैं भाई, बाकी अभी देखते हैं कि भाई उस गाड़ी को और क्या एडवांटेज दें। और अभी हमने गाड़ी पूरी खींची नहीं, अब आपको इस वाले राउंड में पूरी अच्छे से गाड़ी खींच कर दिखाते हैं। भाई आगे फिर से भैंसे हैं और 3-2-1 करूं? थोड़ा सा हमारा लंबा रूट होगा तो उसमें पता लग जाएगा भाई और कितना पावर का फर्क है। सो तीन हॉर्न वही करेंगे भाई। और आगे हमारी भैंस और उसके पीछे एक सांड लगा है, वो उसको इधर से उधर ला रहा है। चलो 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 भाई, कुछ ज्यादा वो सारी हटेंगी। बड़ी बदतमीज भैंस है यार। हट गई 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 गई। अब फिर उस साइड आ रही है। नहीं भाई उधर गई और रोड क्रॉस कर गई। तो स्टार्ट करें भाई सेकंड राउंड।
पहले उठा दी ना मैंने थोड़ी, कोई बात नहीं वो एक भैंस थी उसके लिए रुकी है, कुछ अच्छे के लिए ही होता है, देख कुछ अच्छे के लिए ही होता है, उसको जाने दो। वो पहले एक हॉर्न बजाकर भूल गए थे ना। और अभी पूरा पैच बचा हुआ था, ये कार यहाँ पर ऑलमोस्ट 210-215 करने के कैपेबल है ये कार, मतलब उससे पहले भाई हमने इस कार को रोक लिया। सो सेकंड राउंड में भाई क्लियर विनर है, अपना थर्ड राउंड करते हैं और भाई कहानी खत्म करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क है भाई। ऐसा करो इस बार स्पोर्ट्स लगा लो और ESP ऑफ करने की जरूरत है नहीं, है ना, बहुत ज़्यादा स्किड कर जाएगा। हाँ सो स्पोर्ट्स लगा लो, इसको खत्म करेंगे। अच्छा लॉन्च करना प्रॉपर सारा 20 मोड में लॉन्च करो इसको, ठीक है? तो हम दो गाड़ी आगे हैं, लगाओ हॉर्न, आप मारोगे? हॉर्न आप ही मार देना, मैं मारूं? हां पीछे से आवाज आती। सो भाई उस गाड़ी का एडवांटेज दे रहे हैं, वो दो गाड़ी आगे खड़ी होगी, अपनी गाड़ी है भाई, शीशा चढ़ा लो और हम तीन हॉर्न पे निकल जाएंगे, देखते हैं उस कार को। हां दो गाड़ी नहीं भाई, पांच छह गाड़ियां कम से कम लगेंगी। हां ये देखिए भाई, सो तीन हॉर्न करो आप। भाई यही देख लो यार, पीछे तो दिखाई नहीं पा रहा हूँ। वेरी नाइस भाई, भाई देखिए मेरे को नहीं लगता इससे ज्यादा हमको मतलब XUV के साथ इसकी करानी चाहिए, जो है ना भाई, क्योंकि बिल्कुल वो नहीं आ रहा है, थोड़ा तो मतलब फन आना चाहिए। सो भाई इस वीडियो का भी कंक्लूड करेंगे, भाई बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, फ़न के लिए हमने ये ड्रैग करी थी, लेकिन भाई मतलब ये अलग ही चीज़ है यार। सो इसको कंक्लूड करते हैं वीडियो को और अपना नेक्स्ट शूट करते हैं। स्पोर्ट से हटा दिया भाई, कोई मैच ही नहीं है भाई आपस में, बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है, वजह लगा दूं मैं कंक्लूड कर देता हूं अपने पीछे से, नेक्स्ट कार लगवाएंगे। ये बहुत बदतमीज चीज है, ये लॉन्च था इसका पूरा और ESP ऑफ नहीं था अभी, और करेक्ट पिन पे उठाइए भाई ने, पिछले राउंड में भी 60 पे क्रॉस हुए, इस बार तो 60 पे आप आगे निकल गए थे। मैं तो कंक्लूड कर रहा हूँ, मैं कहा टक्कर ही नहीं है बिल्कुल भी। तो भाई ये थी आज की अपनी ड्रैग रेस XUV700 ऑटोमेटिक पेट्रोल और अपनी 330 IM स्पोर्ट्स के बीच में, रिजल्ट आप सारे भाइयों को पहले से ही पता था क्या रहने वाला है, और भाई वही हुआ, लास्ट राउंड में तो इतना जगह दी थी, मतलब मैं कह रहा हूँ कि भाई कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए मैंने ड्रैग करी। बाकी भाई आप सबको मुझे पता है BMW बहुत अच्छी लगती है भाई, मेरी भी फेवरेट है। बाकी भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, दोनों में से कौन सी गाड़ी आपको पसंद आई है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नई ड्रैग के साथ, एक नई कार के रिव्यू के साथ और एक नई हाइपर ड्राइव के साथ, तब तक टाटा बाय बाय, लव यू गाइस।